सदमा, चालबाज, मिस्टर इंडिया जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली अभिनेत्री श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं रही। एक समारोह में शामिल होने दुबई गई श्रीदेवी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। 2 जून 1996 को शादी कर श्रीदेवी और बोनी कपूर ने सबको चौंका दिया था। न केवल बोनी कपूर से अफेयर बल्कि शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की बात ने काफी चर्चा बटोरी थी। श्रीदेवी से शादी करने के बाद बोनी कपूर ने अपनी पहली पत्नी मोना को छोड़ दिया। उन दिनों श्रीदेवी को जितेंद्र से भी लिंक किया गया था। साल 1984 में श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू दिया था। एक इंटरव्यू में जब श्रीदेवी से जितेंद्र के बारे में पूछा गया तो श्रीदेवी ने कहा था, जितेंद्र बहुत अच्छे इंसान हैं। शूटिंग के पहले दिन से ही उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मेरी पहली फिल्म कामयाब नहीं हो सकी लेकिन जितेंद्र ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। जब जितेंद्र से शादी को लेकर सवाल किया गया तो श्रीदेवी ने कहा था, मैं कभी भी किसी शादीशुदा मर्द से शादी नहीं करूंगी। हमारे साउथ में दूसरी पत्नी बनने जैसा कोई रिवाज नहीं है लेकिन हम सभी जानते हैं कि श्रीदेवी को बोनी कपूर से इश्क हो गया था। बोनी कपूर ने अपनी उम्र से 8 साल छोटी श्रीदेवी को 1993 में प्रपोज किया था और श्रीदेवी ने प्यार में इस बात की भी परवाह नहीं की कि बोनी शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप थे।